फिल्म वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है. एक लड़की है जो प्रोस्टिट्यूशन से निकल के एनजीओ में जाती है और कैसे एक बंदा उस चीज़ का ज़रिया बनता है, एक इंसान उसकी ज़िंदगी में ज़रिया बनता है. मूवी इसके बारे में है. एंड ये गाना तब है जब उसको रियलाइजेशन होती है, जब उसको पता लगता है दैट यू नो उसने क्या खोया है एंड उस पूरे चक्कर में उसने क्या पाया है. एंड वो उस लड़के को मिस कर रही होती है, उस लड़के को मिस करके अपनी नई ज़िंदगी के लिए खुश भी होती है बट थोड़ी बहुत नर्वस भी होती है. ये वो सिचुएशन है गाने की. क्या ब्रीफ था म्यूजिक डायरेक्टर का जब हम यू नो सिचुएशन दी जाती है एक सिंगर को, ये सिचुएशन है हम ये फील चाहते हैं, व्हाट वाज द म्यूजिक डायरेक्टर ब्रीफ टू यू? उनने मुझे एक्चुअली कोई ब्रीफ नहीं दी. उन्होंने मुझे कहा कि अपने नेचुरल सेल्फ रहो, कभी भी किसी भी मोमेंट पे तुम्हें बहुत उदास फील होता है वैसे रहो एंड बस अपना नेचुरली उसको अपना शॉट दो. एंड एक थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस था सिचुएशन का जो अपने अंदर मेरे को 2 या 3 दिन बोला गया कि आप फील करो, फील करके उसको गाओ. बिकॉज फीलिंग एक्चुअली एक सैड लड़की की थी तो मुझे 2-3 दिन बिल्कुल बात करना मना था, 2-3 दिन मुझे कट ऑफ रहना था एंड बिल्कुल एक कमरे में रहना था और वो फील करना था अपने अंदर कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ दुनिया से. एंड यू नो तो मुझे वैसी फीलिंग लानी थी अपने अंदर. Who is your idol? You know, when I talk about the singing, singer, there's numerous singer in the industry. Who is your idol? Lata Mangeshkar is my idol in every aspect of life and she's been the guiding force also. And you know, उन्हीं के गाने सुन सुन के थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है वो मैंने करी है. एंड क्लासिकल बेस भी है थोड़ा, which has helped me. So I think लता मंगेशकर I would say. क्योंकि उनसे बियॉन्ड कोई नहीं है. ओके यारा, सीरी सीरी की बात करो, एक सेंसिटिव मुद्दा है जब हम प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं. हाँ जी. और हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है और इस तरह के रैकेट भी बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियाँ फंस जाती हैं. आपको लगता है कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, विवाद भी कहीं आमंत्रित होते हैं बिना कहे, क्योंकि यू नो फिल्म मेकर और द बॉलीवुड ऑलवेज अ सॉफ्ट टारगेट? विवाद तो खड़े होते हैं बट ये एक मुद्दा है जो अभी भी बहुत सारे चंक में डील नहीं हुआ है. वी हैव नॉट रियली डेल्ट विद दिस इशू राइट नाउ. सो आई थिंक हमारे को इस इशू के साथ डील यू नो डील करने की ज़रूरत है. हमको उन लड़कियों को जो फंस गई हैं, जो वॉलंटरीली ये चीज़ नहीं करती हैं, उनको इससे निकालने की ज़रूरत है. हमारे को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एक्चुअली ऐसी चीज़ों में आगे आएँ और यू नो एनजीओस को सपोर्ट करें और जो ऐसे रैकेट्स को फुड़वाएं और उन लड़कियों को निकलवाएं बेसिकली. सो आई थिंक वी नीड इट नाउ. ओके, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड यूनिक, यू नो द लव स्टोरी ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट एंड द गाय हु स्पेंड अ नाइट विद दैट प्रोस्टिट्यूट. डू यू थिंक इट इज इट विल बी द यूएसपी ऑफ द फिल्म? इट इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म. कैसे कोई एक इंसान तुम्हारी जिंदगी में आके, चाहे वो एक रात के लिए आए, वो जिंदगी में तुम्हारी आके चेंज कर देता है तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल. एंड यू नो कैसे वो जो एवरी डे तुम कर रहे हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, जैसे तुम्हारे पास लोग आ रहे हैं एंड यू नो उसके यू नो बावजूद एक ऐसा बंदा आ जाता है जो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरा चेंज करके चला जाता है. इट्स अबाउट दैट. सो इट्स अबाउट दैट सोल बेसिकली, दैट सोल दैट यू फाइंड टुगेदर, यू नो दैट ट्विन सोल दैट शी इज फाउंड इन दैट मैन बेसिकली. इसके अलावा भी कुछ और गाया आपने फिल्म से, यारा सीरीज से? हाँ जी. इस गाने के अलावा अंगड़ाइयाँ, दैट्स अ हैप्पी सॉन्ग अगेन, दैट्स अ लव सॉन्ग. व्हेन शी रियलाइजेस ये दोबारा मिलते हैं एंड ये तब का सॉन्ग है जब इनको रियलाइजेशन होती है कि इनको बहुत टाइम से प्यार था एक दूसरे से, तो ये दोनों ही ड्रीम में चले जाते हैं. एंड दैट इज व्हेन दिस सॉन्ग वाज कंसेप्चुलाइज्ड एंड ये एक हैप्पी सॉन्ग है. दिस इज अ लव सॉन्ग अंगड़ाइयाँ. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.